देहरादून के घने जंगल में एक पेड़ पर बंदरों का एक झुंड रहा करता था। इस झुंड का मुखिया हल्कू बंदर था, जो बहुत बेवकूफ लेकिन वो अपने आप को बहुत ज्यादा अकलमंद समझता था और हमेशा अपने झुंड के बंदरों पर अकलमंदी झाड़ता रहता था। झुंड का कोई बंदर जब भी अपने लिए परमानेंट घर बनाने की बात करता तो हल्कू उससे कहता, अरे बेवकूफ, हम कोई परिंदे हैं जो घर बनाकर रहेंगे। हमारे पूर्वजों ने कभी घर नहीं बनाया तो हम क्यों बनाएंगे। अरे बंदर घर में नहीं पेड़ों पर लटकते हुए ही अच्छे लगते हैं। पर दादा, अब समय बदल चुका है, हमें भी अपने पुराने रीति रिवाज और आदतों को बदलकर अपने लिए एक घर बना लेना चाहिए। हल्कू उस बंदर को डांट कर कहता, तू अपनी सलाह अपने ही पास रख, अगर तू ज्यादा अकलमंदी झाड़ेगा तो मैं तुझे अपने झुंड से निकाल दूंगा, समझ गया। हल्कू की धमकी से डरकर बेचारा बंदर चुप हो गया। इसी तरह से इन बंदरों का समय बीत रहा था। फिर गर्मी का मौसम बीतता है और बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। एक दिन की बात है, उस दिन तेज बारिश के साथ साथ बड़ी भयंकर आंधी भी चल रही थी। आंधी में कई पेड़ टूट चुके थे और बंदरों वाला पेड़ भी गिर गया था। बंदरों के पास अब रहने के लिए कोई दूसरा ठिकाना नहीं था, इसलिए सारे बंदर अपने टूटे हुए पेड़ के ठूंठ पर आपस में चिपक कर बैठ गए और बारिश में भीगते हुए बारिश के बंद होने का इंतजार करने लगे। कई घंटों के बाद जब बारिश बंद हुई तब सारे बंदरों ने मिलकर हल्कू से कहा, हल्कू दादा, अपना भूरा ठीक ही बोलता था, अगर हम अपना घर बना लेते तो आज इस बारिश में अपने घर के अंदर आराम से बैठे होते। हाँ, तुम लोग ठीक बोल रहे हो, लेकिन हम घर बनाकर अपने पूर्वजों की परंपरा का अपमान नहीं करेंगे। अरे दादा, तो क्या ऐसे ही बारिश में भीगते रहेंगे? अरे नहीं नहीं, हम कोई खाली गुफा को ढूंढकर गुफा में रहना शुरू करेंगे। हाँ दादा, ये ठीक रहेगा, हमें घर भी मिल जाएगा और घर बनाने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर सारे बंदर मिलकर गुफा को ढूंढने के लिए जंगल से निकलकर एक पहाड़ पर चले गए। पहाड़ के दामन में एक गुफा थी। इस गुफा में एक शेर रहा करता था। इस समय शेर गुफा के अंदर मौजूद नहीं था, वो शायद शिकार करने के लिए गया हुआ था। बंदरों का झुंड शेर की गुफा के पास आ गया। एक बंदर गुफा को देखकर खुशी से ताली बजाते हुए हल्कू बंदर से कहने लगा, दादा ये देखो, हमने एक गुफा ढूंढी, चलो इस गुफा के अंदर चलकर देखते हैं। अरे अंदर चलकर क्या देखेगा रे, अंदर क्या तेरी मौसी नाच रही है? अबे गधे, हमें गुफा के अंदर जाकर देखना नहीं है, हमें गुफा के अंदर रहना है। सारे बंदर हल्कू की बात पर हंस पड़े। उसके बाद सारे बंदर गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर जानवरों की हड्डियों का एक ढेर लगा हुआ था। एक बंदर हड्डियों के ढेर को देखकर कहने लगा, हल्कू दादा, लगता है ये किसी शेर या भेड़िये की गुफा है, जो कि अभी कहीं गया हुआ है, उसके आने से पहले हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। अरे हम इस गुफा से क्यों निकलेंगे भाई, अब तो इस गुफा पर हमारा कब्जा हो गया है, अब तो यहाँ से वो निकलेगा जो यहाँ रहता था। सारे बंदर हल्कू की बात सुनकर खुशी से ताली बजाने लगे और गुफा के अंदर धमा चौकड़ी मचाने लगे। तभी गुफा के अंदर मुंह में एक शिकार दबाए शेर आ गया। शेर को देखकर सारे बंदर एक जगह इकट्ठा हो गए। शेर उन बंदरों से कहने लगा, अरे बेवकूफ बंदरों, तुम मेरी गुफा में क्या कर रहे हो, चलो भागो यहाँ से, मैं शिकार करने के चक्कर में काफी थक गया हूँ, अब मैं थोड़ा आराम करूंगा।
अरे हम क्यों भागे यहाँ से? तुम भागो इस गुफा से। इस गुफा में तो अब हम रहेंगे। अभी उल्लू, गुफा में बंदर नहीं शेर रहा करते हैं। बाहर बरगद का एक विशाल पेड़ है, तुम सब उस पेड़ पर जाकर रहो। देखो भाई शेर सिंह, बारिश के मौसम में हम पेड़ पर नहीं रहेंगे। अरे तुम क्यों नहीं उस पेड़ पर जाकर रह लेते? बंदर की मूर्खतापूर्ण बात सुनकर शेर हंस पड़ा और कहने लगा, अरे मूर्ख बंदर, कोई शेर पेड़ पर रहता है क्या? चलो चलो, अब तुरंत यहाँ से भाग जाओ। अरे तुम निकलो यहाँ से। शेर को बंदरों की बहस पर गुस्सा आ गया और वो बंदरों की तरफ दहाड़ने लगा। सारे बंदर दहाड़ सुनकर थर थर कांपने लगे और गुफा से बाहर भाग गए। फिर शेर आराम से बैठकर अपना शिकार खाने लगा और आराम करने के लिए लेट गया। शेर की गुफा के बाहर कुछ ही दूरी पर बरगद का एक पेड़ था। सारे बंदर पेड़ पर बैठकर आपस में सलाह करने लगे। एक बंदर ने कहा, हल्कू दादा, भाई ये तो सरासर शेर की दादागिरी हुई जो उसने हमें गुफा से भगा दिया। दूसरा बंदर बोला, दादा अगर हमें पेड़ पर ही रहना होता तो हम अपने जंगल में ही किसी पेड़ पर ना रह लेते, यहाँ पहाड़ पर क्यों आते? अरे तुम लोग परेशान क्यों होते हो, हम उसी गुफा में रहेंगे। कैसे रहेंगे दादा, गुफा में तो शेर रहता है, वो हमें वहाँ नहीं रहने देगा। अरे मूर्खो, हम कई सारे हैं और शेर अकेला है, वो हमसे जीत नहीं पाएगा। हम उसे खूब परेशान करेंगे तो वो हमसे परेशान होकर गुफा से भाग जाएगा और फिर हम सब गुफा में रहने लगेंगे। सारे बंदर खुश होकर ताली बजाने लगे और हल्कू की प्रशंसा करने लगे। अरे वाह दादा वाह, आपकी अकलमंदी का भी कोई जवाब नहीं, क्या बढ़िया तरकीब सुझाई आपने। फिर ये दिन भी बीत गया और अगला दिन हो गया। शेर अपनी गुफा से बाहर निकला और अंगड़ाई तोड़कर गुर्राता हुआ। फिर शेर शिकार करने के लिए वहां से आगे चला गया। बंदरों का झुंड पेड़ पर बैठे हुए शेर की सारी हरकतें देख रहा था। हल्कू बंदर ने कहा, देखो भाइयों, जब ये शेर शिकार करके वापस लौटेगा और शिकार का मांस खाकर सो जाएगा, तब हम गुफा के अंदर जाएंगे और शेर को परेशान करके भाग आएंगे। फिर कुछ घंटे गुजर जाने के बाद शेर शिकार करके वापस लौट आता है और अपनी गुफा में चला जाता है। पेड़ पर बैठे हुए बंदर शेर को वापस आता हुआ देख लेते हैं। शेर गुफा के अंदर चला जाता है और अपने शिकार का मांस खाकर आराम करने के लिए लेट जाता है। फिर बंदरों का झुंड खामोशी के साथ पेड़ से उतरकर गुफा के पास आता है और बिना शोर किए दबे पांव चलकर गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा में शेर आराम से सोया हुआ था। बंदर आकर शेर को परेशान करने लगे। कोई शेर के ऊपर चढ़कर कूदने लगा तो कोई शेर की पूंछ मरोड़ने लगा और कोई शेर के पंजे में गुदगुदी करने लगा। शेर अचानक से आंखें खोलकर बंदरों को देखता है और तुरंत ही अपनी आंखें बंद करके करवट बदल कर चित लेट जाता है। बंदर कुछ देर तक शेर को परेशान करते हैं लेकिन शेर कोई हरकत नहीं करता, तो बंदर गुफा से चले जाते हैं और अपने पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। ये सिलसिला कई दिनों तक लगातार चलता रहा। शेर जब आराम से सो जाता, बंदर चुपके से गुफा में घुस जाते और शेर को खूब परेशान करते, लेकिन शेर कोई भी हरकत नहीं करता और बंदर वापस अपने पेड़ पर बैठ जाते। एक दिन सारे बंदर आपस में बातें करने लगे। अरे हल्कू दादा, एक कैसा शेर है, इसे परेशान करके हम खुद परेशान हो गए हैं लेकिन वो जरा भी परेशान नहीं हो रहा। हाँ दादा, लगता है हमारी ये तरकीब फेल हो गई। दादा आप कोई दूसरी तरकीब सोचिए शेर को गुफा से भगाने के लिए। अरे अरे, मेरे दिमाग की तो दही जमा दी इस शेर ने,
पता नहीं ये ससुरा परेशान क्यों नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, मैं कोई और बढ़िया सी तरकीब सोचता हूँ। और फिर दो दिन तक बंदर नई तरकीब सोचते हैं, इसीलिए दो दिनों तक वो शेर को परेशान करने नहीं जा पाते। तो शेर सोचने लगता है, पता नहीं क्या बात है, दो दिनों से वो बंदर मुझे परेशान करने क्यों नहीं आए। चलो चलकर उन्हीं से पूछ लेता हूँ। शेर गुफा से निकलकर पेड़ के पास आया और बंदरों से पूछने लगा, अरे बंदरों, तुम दो दिनों से मुझे परेशान करने नहीं आ रहे हो, क्या बात है? शेर महाराज, हम आपको परेशान करते करते खुद परेशान हो चुके हैं, इसलिए हम आपको परेशान करने की कोई नई तरकीब सोचने में जुटे हैं। अरे बेवकूफो, तुम जिस तरीके से मुझे परेशान करते थे ना, उससे मैं परेशान होने की बजाय खुश होता था, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मेरे शरीर को रौंदने से मेरी सारी थकान उतर जाती थी और मुझे बहुत मजा आता था। हैं? अच्छा, तो इसी वजह से तुमने कभी किसी बंदर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया? हाँ, यही बात है, वरना तुम बंदरों की क्या मजाल जो तुम शेर के करीब फटक भी जाते। वैसे मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुना दूं। हैं? कैसी खुशखबरी, जल्दी सुनाओ ना। इस गुफा में रहते मुझे कई साल हो गए हैं, अब मैं इस गुफा से ऊब चुका हूँ, इसलिए मैं इस गुफा को छोड़कर जंगल में रहने के लिए जा रहा हूँ। तुम लोग चाहो तो मजे से इस गुफा में रह सकते हो। झुंड का एक समझदार बंदर शेर से कहने लगा, शेर महाराज, हम आपकी बात पर विश्वास कैसे करें, क्या पता हमें शिकार बनाने के लिए ये आपकी कोई चाल हो। अरे नहीं बंदर भाई, मैं कोई चालबाजी नहीं कर रहा, मैं बहुत शरीफ शेर हूँ। मैं अगर तुम लोगों को शिकार बनाना चाहता तो बहुत पहले ही बना चुका होता। मैं सचमुच ये गुफा छोड़कर जा रहा हूँ। और शेर सचमुच ही वहां से जंगल की ओर चला गया। फिर सारे बंदर मिलकर शेर की गुफा की अच्छे से सफाई करते हैं और आराम से गुफा में रहने लगते हैं। बंदरों के झुंड को अब गर्मी, सर्दी और बरसात के मौसम की कोई चिंता नहीं रही थी।